सब्सक्राइब करें थैंक्स इशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंत आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। तो इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियां हैं सभी लोग मिलकर के इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। ये खुदावंत आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हमें हर समय हर घड़ी धन्यवाद करना है ताकि परमेश्वर जो आपका प्रेम और परमेश्वर से है वो बना रहे। इसीलिए सर्वप्रथम हर एक मसीह भाई बहन, आज चाहे जितने दिनों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो व्हाट्सएप में हमारे पास रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें कहते हैं कि सर हम बहुत दिन से प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, बहुत दिन से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। याद रखिएगा, आज जो वचन आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको देने जा रहा है उस वचन को अंतिम तक सुनना और प्रार्थना को अंतिम तक करना ताकि खुदावंद आपके जीवन में आपकी झोली में बहुत सारी खुशियां लाए, आपके घर में आपके परिवार में आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। यदि आज हम भरोसा रखें विश्वास रखें तो परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था, यदि तेरा राई के दाने के बराबर भी तेरा विश्वास है, एक राई के दाने के बराबर तेरा विश्वास है, तो खुदावंत का वचन कहता है अनेक प्रकार की बीमारियां, पहाड़ जैसी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें सब खत्म हो जाएगी, पर यीशु मसीह ने कहा। इस बात को हमें याद रखना है। यदि आज जो लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है और लोग के देखते हैं और गवाहियां आप सुनते हैं, जब उनका उत्तर मिलता है तो आपका क्यों नहीं मिलेगा? आप भरोसा रखिए और विश्वास रखिए इस सुंदर से शाम के लिए जो बहुत सारी चिंताओं में हैं, बहुत सारी डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी समस्याएं उनके अंदर आज हैं, जो आज रो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों में आज वो पड़े हुए हैं। आज वो चाहे कर्जा हो, पैसे की दिक्कत हो, घर में खाने की दिक्कत हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके जीवन में, आपके घर में, पूरे पृथ्वी की बात करता हूँ, हर एक इंसान के घर में ये हालात हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं सुधारने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तभी यीशु मसीह ने अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, उसके लहू के नाम से। यदि आज आप आज्ञा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो खुदावंत आपके जीवन में आपको आशीष देता है। क्यों? क्योंकि आज हम भरोसा रखते हैं, उस खुदा पर भरोसा रखते हैं जिस परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए, हम सब पापियों को बचाने के लिए, पृथ्वी के लोगों को बचाने के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। वरना वो भी राजा बन सकता था, इस पृथ्वी पे आज राज करता होता, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदावंत ने कहा मेरे लहू के नाम से आज जो आज्ञा देंगे, मेरे नाम से जो मांगेंगे पिता से उसे मिलेगा। तो आज आपके जीवन में आपको आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था, इन बातों को याद रखना, धन है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यदि आज आपके दिल में मन में दीन है, आप दयावंत हैं, आप दया करने वाले हैं, आप नम्र हैं, आपके जीवन में आशीष है, बरकत है, तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि मेरी शिक्षा है तो तेरे मन में नम्र होगा, हर एक बातों को समझेगा और जानेगा और तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो आज शांति पाएंगे। आज आपके जीवन में चिंता है, आप रोते हैं, आज आपके जीवन में लोग कहते हैं कि ना जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए कहते शोक शांति रख दीजिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा नहीं। आज आप तू जिंदगी में जो जी रहा, तेरे पास जो श्वास है, आज तू जीवित है, तब भी तू आज शोक मना रहा है, तभी आज तो परेशान है, हताश है, किसी चीज की कोई चिंता है, मुसीबत है, तो परमेश्वर ने यही कहता है कि यदि आज तू शोक करता है, आज तू रोता है, तेरे आंसू बहते हैं, तो तेरे जीवन में शांति आएगी, तेरे जीवन में खुशी आएगी, तेरे जीवन में भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। ये यीशु मसीह की बातें हैं, यीशु मसीह के वचन है, यीशु मसीह इस बात को कहा। आगे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यदि आज आपके जीवन में नम्रता है, आज आपके जीवन में दया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर आज सब आप सब लोगों से ऊंचे रहेंगे जो आपके आस पड़ोस हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? तू सबसे ऊंचा होगा जो तेरे आस पड़ोस के लोग होंगे। ये परमेश्वर की ताकत और पावर है, यीशु मसीह की बात है। यदि इन बातों को यदि आप आज याद रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन यही कहता है
यदि नम्र हैं तो आप पृथ्वी में बड़े अधिकारी होंगे। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी कहा है, धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। यदि आज आप किसी के जीवन में या कोई दुख में मुसीबत में पड़ा है, आप उसकी मदद करते हैं, आप उसके प्रति अपनी दया दिखाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कल दूसरा भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा। आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। यदि आज हम दूसरों के ऊपर दया करते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुझ पर दया करूंगा और लोग भी तुझे बहुत सारी आशीष और बरकत देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इन बातों को याद रखना है। आज जो बहुत सारी चिंताओं में हैं, बहुत सारी डिप्रेशन में, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आज बैठे हुए अपने घरों में बहुत सारी बातों को सोच रहे हैं, बहुत लोग परमेश्वर खुशी भी हैं। परमेश्वर वचन कहता है बहुत सारे लोग आज खुश भी हैं, उनके परिवार को परमेश्वर ने संभाला, उन्हें आशीष दी, उन्हें बरकत दिया। लेकिन कुछ लोग जो हैं परमेश्वर के वचन से आज उनको आशीषित करने वाला है। जो आज आप बहुत सारी समस्याओं में पड़े हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तो याद रख मेरे वचन को, भरोसा रख, विश्वास रख। एक राई के दाने के बराबर यदि तेरा विश्वास है, बात तेरे जीवन बीमारियां, समस्याएं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारी परेशानियां, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग आज परमेश्वर से प्रार्थना करते, विनती करते, खुदावंत का वचन कहता है कि तो मुझ पर भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। ये बातें यीशु मसीह कहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ये भी कहते हैं धन्य वे जो जिनके मन में शुद्ध हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, जो इनके मन शुद्ध हैं, किसी प्रकार का छल नहीं है, किसी प्रकार का कपट नहीं उसके जीवन में, किसी प्रकार की नफरत नहीं है, किसी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई भी जलन नहीं उसके अंदर, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप परमेश्वर के राज्य की ताकत और पावर देखेंगे और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको परमेश्वर बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। आपको बहुत सारी आशीष देगा, बहुत सारी बरकतें देगा, आपके कामों में बहुत सारी आशीषें मिलेंगी। आप क्यों नहीं भरोसा रखते, क्यों नहीं विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए जितने लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आज प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर उनके बहुत सारी आशीष देता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें कही है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर क्या होगा। यदि आज आप अपनी सब्जी में आप जो भी खाते हैं उसमें नमक न डालें तो क्या उसे खा सकते हैं, नहीं। इसका मतलब है कि वो बेकार है, व्यर्थ है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि तुम ही बिगड़ गए हो, तुम्हारे अंदर ही स्वाद नहीं है, तो मतलब क्या है। यीशु मसीह ने बहुत बातें हमें समझाई, बहुत सारी बातें कही, लेकिन उन बातों को हमें अपने अंदर रखना है। उन बातों के द्वारा आज हम अपने जीवन में काम करके वचनों को सुनते हैं। पिता परमेश्वर आज आपसे प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा उनके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करना है, किसी चीज से नहीं डरना है, ये खुदावंत आपके साथ हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास करते हैं खुदावन, आज उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए, अनेक प्रकार के चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की दुख और बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावन उनके घरों को आप छूने वाले हैं, उनके बच्चों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक चीज़ों में बरकत देने वाले, आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार के शरीर में जो भी सिर से लेकर के पैर तक तमाम दर्द और दुख और चिंताएँ और मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा आज हमारे हर पापों और गुनाहों को क्षमा किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर से समय के लिए जो आज हर एक मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत आज इनके घरों से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियों, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देने वाला वो खुदा है, आपके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला, आपके घरों में हर एक चीज़ों में बरकत देने वाला है। और जो बड़े बड़े इस समय आपके काम रुके हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, वो बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। हालेलुया,
लुया हाले लुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आज जितने मसीह भाई बहन बीमार हैं, या आपके बच्चे बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है, या दूसरे के लिए आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस यीशु के नाम से हम आज आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में है, अभी इसी वक्त हाथ रखें और आज्ञा दें। और हर एक मसीह भाई बहन जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके काम नहीं चलते हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हुए हैं, जिनके कामों में आशीष नहीं आती है, और जिनके बच्चों के मन नहीं लगते पढ़ाई में, पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे, उन्हें एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि वो आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित हों और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदाबंद आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं इनके घरों में, जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी ने किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सब आजाद करने जा रहा परमेश्वर आपको। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली हैं, जो आप रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, खुदावंद आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके बच्चों को नौकरी और जॉब देने वाला वो खुदा है। वो हर एक चीजों में बरकत और आशीष देने वाला है। आप जो लेना चाहते हैं वो भी परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। सत्कलम 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 सत्कलम, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके बीमारी से, इनके शरीर से, इनके जीवन से, जो भी किसी प्रकार का आस पड़ोस के जो लोग इनके जीवन में, पिता परमेश्वर आज जो भी कुछ किया है, जो भी किसी प्रकार का टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार का पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसके जीवन से, इसके घर से, इसके बेटी के जीवन से, इसके बेटे के जीवन से, इसके परिवार से, इसके जीवन से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का, धन्यवाद करिए और खुदावंद का महिमा। आज जिनके किसी प्रकार की समस्या, यदि अंदर बीमारी है, अपने हाथों में पानी को उठाएं, अपने हाथों में पानी को उठाएं। इसी वक्त हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने हाथों में पानी लिए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों में पिता आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। आज वो उस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में, जब भी वो पिएगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक चीज दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल उसके जीवन से। जो भी किसी प्रकार का दर्द है पेट में, जिन बहनों के, भाइयों के जीवन में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की रोग और दुख और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। फिर भी आपको घबराना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस समय आपके घर पे उपस्थित हैं। आप प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन में हर चीज़ों को लेकर के आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने हर एक पापों और गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि हे सर्व सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले और श्वास देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकल, मेरे बेटी के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से, सब कुछ दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को दूर किया है, और अच्छे से उस पानी को पिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हर प्रकार की समस्या, आपकी बीमारियां, सब कुछ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया की मदद करते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उसके जीवन बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से। खुदावंद के परिवार में बहुत सारी आशीष
आशीष और बरकत दे, और जो दान के द्वारा सहायता और मदद करते हैं खुदावन उनके परिवार में, उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए खुदावन, उनके परिवार को छुए बिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम हर प्रकार की अंतिम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।